दोस्तों, अगर आपको देहरादून एयरपोर्ट जाना हो तो शहर से 25 से 30 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, तो आपके पास ऑप्शन ज़्यादा है नहीं। या तो अपना व्हीकल लेके जाइए, या फिर आप टैक्सी करके जाइए, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का तो इस्तेमाल आदमी कर नहीं सकता क्योंकि सुविधाएँ उतनी नहीं होती, और टैक्सी लेके जाएंगे तो बहुत महंगी पड़ती है, 1200-1300 रुपये ले लेते हैं लोग। तो उसमें कोई अच्छा ऑप्शन हमारे पास होता ही नहीं था, लेकिन अब एक ऐसा ऑप्शन आ गया है जो बहुत सुविधाजनक भी है और बहुत सस्ता भी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि सभी को बहुत फ़ायदा पहुंचाने वाला है, और ये उत्तराखंड सरकार ने अभी रिसेंटली एक घोषणा की है जिसमें कि नई इलेक्ट्रिक बसेस यहां पर चलाई जाएंगी, और वो सीधे देहरादून से चलेंगी और एयरपोर्ट तक, और बहुत ही हाईटेक बसेस हैं, तो उसमें किसी तरह की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ये बसेस जिस तरह की हैं, हाईटेक बस है और बहुत सारी सुविधाओं से लैस हैं। इसके अंदर आपको सारी सुविधाएं मिलेंगी, चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, बहुत हाई कूलिंग वाली बसेस होंगी, एसी लगा होगा, और आपका चार्जिंग पॉइंट्स भी होंगे, और सबसे अच्छी चीज़ इसमें सीटिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। तो आप कह सकती हैं आप सुविधा के साथ बहुत कम पैसे में एयरपोर्ट तक पहुँच जाएंगे, और बिना किसी स्ट्रेस के। अपनी गाड़ी लेके जाएंगे तो आप खुद ड्राइव करके जाएंगे या ड्राइवर लेके जाएंगे, और व्हीकल भी आपका एंगेज हो जाता है, तो उससे बढ़िया इन बसों का इस्तेमाल। तो इसमें सीटिंग कैपेसिटी सिर्फ 25, और हर 15 से 20 मिनट में ये बस चलेंगी देहरादून ISBT से एयरपोर्ट तक, और एयरपोर्ट से वापस देहरादून ISBT। तो बहुत अधिक सुविधा होने वाली है सभी के लिए, तो एक बहुत अच्छी खबर और एक अच्छी न्यूज़। मुझे लगा कि सभी को पता होना चाहिए। और जहाँ तक किराए की बात हो, तो किराया भी नॉर्मल बस अगर आप जाते हैं तो 30 से 35 रुपए लेती है, लेकिन इन बसों का किराया बहुत कम होने वाला है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सुविधाओं में GPS भी होगा इसके अंदर, तो गाड़ी कहीं दाएं बाएं भी नहीं जा सकती, और समय पे पहुंचेगी भी। तो सारी सुविधाओं से लैस हाईटेक बसेस, और सबसे अच्छी चीज़ आपकी पॉकेट पे भी बहुत हल्की पड़ेगी, भारी नहीं पड़ेगी। तो वो सभी लोग जो आज की महंगाई में बचना चाहते हैं महंगाई से, और कम पैसे में एयरपोर्ट तक पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन आ गया है। और ये अभी 25 जुलाई से शुरू होने वाली है, 25 जुलाई से चलेगी, और आप चाहे एयरपोर्ट से आ रहे हो या एयरपोर्ट पे जा रहे हो, दोनों ही स्थितियों में आपके लिए बहुत सुविधाजनक होने वाला है। और किराया इसका बहुत कम लगेगा, सिर्फ 200 रुपये। तो 200 रुपये उतना ज़्यादा भी नहीं, आपकी पॉकेट में भारी भी नहीं पड़ेगी, और बहुत सुविधा के साथ आप सकुशल पहुँच जाएंगे ISBT तक। बस वहाँ से अपने घर आप ऑटो, ओला, उबर कुछ भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद ज़रूर आएगी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जितने यात्री यहाँ पर आते हैं, पर्यटक आते हैं, या नया कोई भी आता है, तो उसको भी दुविधा होती है, और देहरादून वालों को भी कई बार दुविधा होती है यहाँ से 25 किलोमीटर दूर जाना और गाड़ी का ना मिलना। तो अब इन सभी का अंत हो जाएगा जब ये बसें चलना शुरू होंगी, और आपके जेब पर भारी नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको वीडियो ये पसंद ज़रूर आएगा, और कभी आप देहरादून आइए तो इन बसों का इंतज़ार कीजिए, एयरपोर्ट से ही आपको लेंगी और ISBT तक पहुंचा देंगी। तो हाईटेक बसेस जो कि 25 तारीख से चलेगी, और अभी ट्रायल बेसिस पर है, उसके बाद सक्सेसफुल होगा, निश्चित रूप से सक्सेसफुल ही होगा, क्योंकि सभी लोग जाना चाहते हैं कम पैसे में। तो आप भी इसका मज़ा ले सकते हैं 25 जुलाई से, 4 दिन बाद ही चलनी शुरू हो जाएंगी। तो 25 जुलाई में आइए और एन्जॉय कीजिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। हैव ए नाइस डे। बाय बाय।